यस भाई आप आपका, आपका जी मैं तो कर रहा हाँ सर मैं चीज़ें भूल जाता हूँ बहुत जब नमाज भी पढ़ता हूँ तो चीजें भूल जाता हूँ अक्सर तो कितनी रखा भी क्या है okay. तो नमाज में में आम जिंदगी भी चीजें आम जिंदगी में भी कोई चीज रखता हूँ तो एक सेकंड में भूल जाता हूँ अक्सर तो अभी से हो रहा है या पहले से हो रहा है ये लगभग तीन चार साल से हो रहा है तकरीबन तकरीबन भाई तीन चार साल से प्रॉब्लम जी जी भाई इसके अंदर सबसे पहले हम हर एंगल से इसको ट्रीट करें कैसे ट्रीट करना है इसको फर्स्ट एंगल ये है मेरे भाई कि आपको जिक्रो अस्कार में मॉर्निंग और इवनिंग सुबह और शाम के अस्कार के लिए कुछ मिनटें जरूर निकालिए और वो अस्कार जो पढ़िए मीनिंग के साथ पढ़िए कि जिसके अंदर अल्लाह से हिफाजत भी है कि दिन भर के लिए भी हिफाजत है और दीनी एतबार से भी हिफाजत है दुनियावी तौर पर भी हिफाजत है अपने लिए खानदान के लिए हिफाजत है तो सुबह और शाम के असकार आपको हिस्नुल मुस्लिम दुआ की जो किताब है उसमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ा सा निकाल करके पढ़िए नंबर वन नंबर दो आपको जितना वक्त मिलता है जहां मौका मिलता है तीनों कुल पढ़कर हाथों पे दम करके अपनी बॉडी पे रब करें इंशाल्लाह ये दूसरी चीज है जो आप करें क्या क्या करना है? क्या करना है है तीन कुल जो है ना तीनों कुल, कुल तीन हाथों पे करके, अपनी पे करें। ये जी, जी, है आप तीन, तीन तीन बार पढ़िए इंशाल्लाह और कभी ऐसा मौका नहीं मिला तो एक बार भी पढ़ के दम कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये एक चीज है जो करना है सेकेंड चीज ये है मेरे भाई कि आपका जो अवेयरनेस है जो आसपास जो हो रहा है उस पर फोकस बढ़ाना जरूरी है हाँ, आसपास जो हो रहा है उसमें फोकस बढ़ाना जरूरी है तो हम शुरुआत करेंगे नमाज से यानी आपकी नमाज को एकदम सॉलिड बनाना है इनशाला अल्लाह की मदद और मर्जी से अगर आपकी नमाज सॉलिड हो जाए अल्लाह की मर्जी से तो बाकी चीजों में भी आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह तो नमाज पे फोकस कैसे करेंगे मैं आपको थोड़े टिप्स देना चाहता हूं और नमाज सिर्फ नमाज नहीं होगी आपका ये जो प्रॉब्लम जो लाइफ में है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अल्लाह की मदद से जरिया भी होगा कैसे करना है कि नमाज से पहले है सोचना है कि जैसे कि लास्ट नमाज आप पढ़ रहे हैं लाइफ 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 की लाएफ, लाएफ, लाएफ की लास्ट लास्ट नमाज नमाज और नमाज पढ़ेगा तो आदमी कैसे पढ़ेगा बहुत दिल से पढ़ेगा हर नमाज में ये सोचना है और जो पढ़ रहे हैं उस पर मीनिंग पे फोकस करना है मीनिंग पे ध्यान लगाना है कि क्या पढ़ रहे हैं मीनिंग पे ध्यान रखना है सुबह और अजीम का क्या मतलब है सुबह और बिला का क्या मतलब है हिदायत दे दे मुझे हमें सीधे रास्ते की तो हिदायत मांग रहे हैं आप तो वो दिल से मांगना है इंशाल्लाह सिर्फ जुबान से नहीं दिल से मांगना है ये जरिया है नमाज में कंसंट्रेशन सुधारने का जरिया है इंशाल्लाह हाँ और इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि नमाज में सारी चीजें के अंदर आप अटेंशन इस तरह से भी रख सकते हैं कि चार रकाते हैं जो अलग अलग सूरतें पढ़ें यानी सूरत जो पढ़ना है तो सेम नहीं होना चाहिए

आपकी नमाज में जहन कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो गया अल्लाह की मदद से तो इंशाला इंशाला आप क्या करेंगे आप अपनी बाकी लाइफ के अंदर भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे लेकिन जो मैंने जिक्र के बारे में कहा मॉर्निंग इवनिंग के अस्कार रात को सोते टाइम पे असकार भी और सुर फलक सुर नाज ज्यादा से ज्यादा पढ़कर अपनी बॉडी पे दम करना ये भी करिए साथ में नमाज की क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करिए क्या ऐसा है कि बहुत सारे टेंशन है आपके ऊपर नॉर्मल है लाइफ पिछले दो, तीन साल से कुछ टेंशन है? हाँ, टेंशन तो, तो कई तो तो वजह में ये भी हो सकती है तो हाँ, आप क्या करिए वो मसाइल के इलाज में जो कुरान हदीस के सारे टिप्स जो हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं इन पर गौर करिए पे छोड़िए अल्लाह पे छोड़िए आपका काम क्या है अपनी ड्यूटी करो मेरी ड्यूटी में आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये, ये काम करना है करिए और बाकी चीजें अल्लाह पे छोड़ दीजिए अल्लाह को बहुत पसंद है आपके सर से टेंशन हटेगा ना इंशाला तो आपका ये तो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा वो कहीं वो कहीं का भी नतीजा होता है कि आदमी कहीं ना कहीं उसके गलत नतज होते हैं कई जगहों पर होते हैं सेहत पे भी होते हैं अंदर अंदर कोई चीज काम कर रही होती है टेंशन मत लीजिए अल्लाह है साथ में ना माँ बाप नहीं है मैं जानता हूँ अल्लाह आपकी वालदा की भी मफ्फरत करे लेकिन अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा हमें है ना जी अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेमी ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें